इस वक्त मैं गुंबद किले के ऊपर हूँ। इंतहाई खतरनाक जगह है। गुंबद स्टोपा सवात के अंदर मैंगोरा जाते हुए, मैंगोरा मेन रोड से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर और इंतहाई मुश्किल रास्ता बाइकों पे तो स्पेशली, और बाकी तो लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत ही कम चलती है, एक आध चलती है। गुंबद स्टोपा बुद्धा रिमेन्स में से है, बहुत मेन जगह है और आप देख सकते हैं कि इसके वाहिद ये इमारत है यहाँ इस वक्त जो हमने फिरी है। 2011 में बंद हो चुकी है और 2011 में ये बंद हो चुकी है, 2016 में हम आपको दिखा रहे हैं गुंबद स्टोपा। ये हमारे गाइड हैं, इनकी वजह से तो इनके साथ बातचीत करने पर इन्होंने हमें इजाज़त दे दी है अंदर जाने की। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुंबद स्टोपा के रिमेन्स, फॉसिल्स जिसे हम कहते हैं, ये आप स्टोपे देख सकते हैं जो कि मॉन्क्स जिनकी मुरादें मन्नतें पूरी होती थी वो यहाँ इस किस्म के चबूतरे बना देते थे। ये उनकी एक वो होती थी कि हमारी मन्नत पूरी हो गई है, तो ये थैंक्स गिविंग था एक टाइप का ना, तो शुक्राने के तौर पर वो यहाँ स्टोपे बनाते थे। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि उसी दौर के ये गोल गोल वो, ये मैं उस सहन में आ गया हूँ, ये रिमेन्स हैं स्टोपे 2011, आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2011 में बंद कर दिया था। तो हमारे ये गाइड हैं, ये मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी वजह से, इनकी इजाजत से फिर हम अब ऊपर जा रहे हैं। गुंबद स्टॉप इसकी और खुदाई नहीं हुई है क्या? पता नीचे और नीचे नहीं हुई, और नीचे नहीं है। तो आप देख सकते हैं गुंबद ऊपर बिल्कुल और टॉप के ऊपर जाके, यहाँ इस दीवार पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ इंफॉर्मेशन है। जगह का नाम कांडा कहती है, इस जगह का नाम कांडक है। बरू कले कुंबत बालो केल जी चिनार के ऊपर, ये जो दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है, ये जो पत्थर पर तस्वीर बना हुआ है, ये किधर? ये वाला ये किधर? ये चैन ये ऊपर वाले नीचे वाले जो है ना, इस सरगासर में। हाँ ये जो इधर वाले जो है कटी करना में। अच्छा ये पहले पहले गए बाजार में। जी जी पहले मां ऊपर ये पहाड़ में पत्थर पे ही करी ये तस्वीर। अच्छा और वो ऊपर वाला बड़ा किधर है? उधर वो इधर वाला। हाँ ये नहीं नहीं दरख्त वाले के साथ वाला, ये कटी करना वहां कटी करना ये जो है ये कमाल है। बहरहाल आप ये देखें इधर कैसा वाला, ये किधर है? ये ऊपर है, ऊपर इधर पहाड़ में ऊपर दूर है, दूर है पूरे तकरीबन घंटे एक घंटे के मतलब एक घंटा पैदल चलने के बाद। मेरे गैलरी के कंसेप्ट देखो, ये गैलरी है आप देखें, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ ये गैलरी। और अब हम गैलरी में पीछे की तरफ जा रहे हैं। चौधरी ये गैलरी उन्होंने, आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से वो हवा और इसका जो इम्तिजाज है उन्होंने बनाया है। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए हम गैलरी में से गुजर रहे हैं। गुंबद स्टोपा पूरी इमारत है और खासी क्या कहते हैं उसको कि रिमेन्स है
बहुत अच्छे रिमेन्स है। ये इलाका इसके साथ साथ का खूबसूरत इलाका असर होने को है। ऊपर चढ़ने वाले जो पार्सिंग को इस वक्त मैं गुंबद कले के ऊपर हूँ और आप देख सकते हैं मैं कहाँ से आया हूँ। ये सीढ़ी लगी हुई है, इंतहाई खतरनाक जगह है। मेरे साथियों ने हिम्मत नहीं की, मैं चढ़ आया हूँ। अब सबसे बड़ा मसला मेरे वापस जाने का है। ये मेरा मकामी जो टूर है गाइड है सॉरी, इसने मुझे हिम्मत बंधवाई है। तो अब मैं यहाँ गुंबद पे पहुँचा हूँ ऊपर, तो इस भाई की माय गॉड, मैं ऐसा कर सकता हूँ यकीन करें यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि अब मैं वापस जा सकता हूँ या नहीं। इधर किधर से आप देखेंगे मैं डर भी रहा हूँ खासा, और मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक भी है। और ये डूम गुंबद स्टॉप, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ गुंबद स्टॉप है भाई। ये मेरे गाइड साथ हैं और इनकी मेहरबानियों से ऐसा करना मुमकिन हुआ है। अब मसला है नीचे जाने का, चलो वापस उस तरफ की तरफ। ओ नहीं यार, इस तरह मत करो। ओहो, अब ये मुझे कह रहा है कि वापस उसी रास्ते से जाना है जिससे मैं वापस आया। ओ अल्लाह हू अकबर। यू गिव मी द वर्ल्ड, आई गेस इट वाज जुलाई, यू सेड वी'ल बी बेटर, don't know why I should be so lonely. When I close my eyes, imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my